बॉलीवुड में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह इन दोनों के बीच काफी टक्कर मानी जाती है, लेकिन ये टक्कर प्रोफेशनल है, पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी फिल्मों के साथ एक दूसरे को साबित करने में लगे रहते हैं। रणबीर कपूर हाल ही में इस बारे में खुलकर बात भी कर रहे थे कि वो अपने कॉम्पिटिशन को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन जब रणबीर कपूर से पूछा गया कि क्या उनका कॉम्पिटिशन रणवीर सिंह है, तो इस पर अब पलटवार कर दिया है रणबीर कपूर ने। क्या कहते हैं रणबीर, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। रणवीर सिंह से खतरा होने के सवाल पर रणबीर कपूर ने कहा, जलन जैसी कोई बात नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है। मैंने अपना करियर 10 साल पहले शुरू किया था, हम दोनों ही युवा डेब्यूटेंट हैं, अभी हमें 10-12 साल हुए हैं, हमारे बीच पूरी तरीके से हेल्दी कंपटीशन है। मैं अपने अच्छे काम से रणबीर का मुकाबला करना चाहता हूं। दमदार अदाकारी के अलावा दोनों में एक बात और कॉमन है, वो ये कि दीपिका पादुकोण दोनों की अच्छी दोस्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका लंबे वक्त तक रणबीर के साथ सीरियस रिलेशन में रही। एक वक्त ऐसा था जब दीपिका रणबीर कपूर के लिए करियर छोड़कर घर बसाना चाहती थी। दीपिका रणबीर के बीच रिलेशन लंबा चल नहीं सका, इसकी वजह से दीपिका काफी दिनों तक परेशान रही। आज भले ही दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रिश्ते में दूरियों ने दीपिका पर गहरा असर छोड़ा होगा, कहीं ना कहीं बात ये रणवीर सिंह के दिमाग में भी रहती होगी। पर फिलहाल तो रणबीर कपूर साहब इस चीज को क्लियर करते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपटीशन है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन है, और मैं रणवीर सिंह से मुकाबला करना चाहता हूं, लेकिन अच्छे काम के साथ। वैसे देखा जाए तो रणबीर कपूर ने एक्टिंग का लोहा मनवाया है, बस दिक्कत ये रही कि कई बार उनके फिल्मों की चॉइस गड़बड़ रही। बीता कुछ साल तो वाकई अजीब ही था, पर अब जब रणबीर कपूर को मौका मिला है फिल्म संजू में अपने आप को साबित करने का, तो टीजर और ट्रेलर में ही साफ पता चलता है कि रणबीर कपूर कमाल कर चुके हैं। फिल्म आएगी तो वो डबल कमाल होगा। संजय दत्त की बायोपिक, संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर, और माशाल्लाह क्या लग रहे हैं। एक बार भी दिमाग में नहीं आता कि ये संजय दत्त है ही नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।